Hello everyone, welcome to this session by Gyanm. I'm Piyush. I'm gonna give you some help regarding the exam, how to find the major topic that's a mixed errors, unke rhythm kaise find kar exam mein, right? Now before we move further, I could have taught you any type of a topic, a good topic in fact, an adjective probably, adverbs could be, conjunction, that's a very good one. I could have taught you any type of a topic. But the reason lies here कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, I know you are able to understand it out, but I am not sure about it कि आप उसको implement भी कर पा रहे हैं exam में या नहीं. Because the moment a teacher teaches a topic, I know the students are good enough to understand it, to comply it, अच्छी तरह पढ़ने के लिए. But the teacher isn't sure whether that same student, is gonna apply that thing in exams or not. Nobody is sure about it. Because जब वो एग्ज़ाम में आता है ना, they look like a different cream कि ये क्वेश्चन पता नहीं पढ़े हुए हैं, आते या नहीं आते, समझ ही नहीं आ रही हो कैसे रहा है. But yes, one can be sure enough कि जो आपको एग्ज़ाम में दिया जा रहा है ना, probably that is from that syllabus जो आपने पढ़ा है. What we gonna do is today, we gonna see two basic errors from exam point of view, how to deal with them, how to find that thing out, how do you proceed further. Let's be focused on to the first one. Companies that do not have promoter holding and ownership stake but are run by professional managers are relatively few in India. Guys, I can give you a very basic information about how to find errors. Do not go by the logics. Do not go by the rules you have crammed. Just go by the flow. Now you must have heard about all the things, na, how to go by the flow. I'm gonna give you one basic reason behind it. How to go by the flow. It says, देखो यहाँ पर हैव द वर्ड कंपनीज. कंपनीज फॉर यू इज प्लूरल. प्लूरल है तो दैट में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि कंपनीज नॉन लिविंग भी है तो आप दैट लगा सकते हैं. कंपनीज वो कंपनीज जो प्रमोटर जिनके पास है या नहीं है. आप मुझे इतना बताएं, बात कंपनीज की हो रही है तो कंपनीज सिंगुलर हुआ कि प्लूरल हुआ? अगर कंपनीज प्लूरल है तो डू बिल्कुल करेक्ट है, नॉट उसको नेगेटिव में लेके जा रहा है. अगेन दैट्स अ गुड ऑप्शन. कंपनीज जिनके पास प्रोमोटर होल्डिंग एंड ओनरशिप स्टेक नहीं है, अभी डू नॉट लगाया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चलेगी, ये भी बिल्कुल करेक्ट है. अब बात हो रही जिनके पास क्या नहीं है, प्रोमोटर नहीं है, होल्डिंग नहीं है, ओनरशिप नहीं है या स्टेक नहीं है. द मोमेंट यू रियलाइज ना कंपनी की ये सारी चीज यहां तक लिंक है, जस्ट होल्ड ऑन टू द लास्ट वर्ड. कंपनी के पास बेसिकली ये स्टेक नहीं है. हाउ डू आई फाइंड इट आउट? बड़ा सिंपल तरीका, कंपनीज दैट डू नॉट हैव स्टेक, सिर्फ लास्ट वर्ड पे जाकर रुके. और व्हाट अबाउट सर ये जो इतना सारा डाला हुआ है? कुछ नहीं है, सिर्फ बीच में अड़चन पैदा कर रहा है. दैट अड़चन इन इंग्लिश इज कॉल्ड एडजेक्टिव फॉर यू. तो बेसिकली स्टेक की क्वालिटी पता क्या है? क्या नहीं उनके पास? स्टेक नहीं है. स्टेक कौन सा नहीं है? सर ओनरशिप वाला नहीं है, तो ये इसका एडजेक्टिव है. और कौन सा नहीं है? सर प्रोमोटर होल्डिंग वाला स्टेक नहीं है, ये भी एडजेक्टिव. सर आपको क्या लगता है यहाँ ओनरशिप स्टेक तो ठीक है, होल्डिंग स्टेक भी ठीक है कि नहीं है? कुछ नहीं करना. एंड का काम है कंजंक्शन, इसका काम क्या है? जोड़ना. कोई बात नहीं, जोड़ा हुआ है ना, इसको तोड़ के देख लेते हैं. इफ आई टॉक अबाउट राम एंड श्याम आर प्लेइंग, कांट आई से इट आउट राम इज प्लेइंग एंड श्याम इज प्लेइंग? अगर कंजंक्शन का काम जोड़ना है ना, तो उनका काम तोड़ना भी है, क्योंकि कोई चीज जोड़ी गई है ना तो पहले वो डिसमेंटली थी, बाद में आपने जोड़ा है उसको. देयरफॉर प्रूफ क्या होता है? कंपनीज दैट डू नॉट हैव प्रमोटर होल्डिंग स्टेक, कंपनीज दैट डू नॉट हैव ओनरशिप स्टेक, बिल्कुल करेक्ट है. आगे बट ये हुआ लेकिन. अभी कंपनीज, अभी भी इसका सब्जेक्ट यही है, तो वर्ब भी कंपनीज के अकॉर्डिंग क्या है? आर. आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस. कंपनी ने किसी को रन नहीं किया है, कंपनी खुद रन हुई है. अगर कंपनी खुद रन हुई है तो इसको बोलेंगे आप पैसिव वॉइस. काम तो कंपनी पर हुआ है. रिवर्स, रिवर्स का मतलब पैसिव, राइट जी. आर रन बाय प्रोफेशनल मैनेजर्स. जैसे कंपनीज प्लूरल था, मैनेजर्स भी प्लूरल है, नो डाउट, तो प्लूरल के साथ तो बिल्कुल करेक्ट चल रहा है. अब ये फिर किसके लिए लगा? आर. अगेन कंपनीज के लिए. आर रिलेटिवली फ्यू इन इंडिया. फ्यू का मतलब क्या होता है? थोड़ी सी है. ये नाउन तो नहीं है, ये एडजेक्टिव है. तो आपने हमारे प्रीवियस टॉपिक्स में और मेरी प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा कि ये जो एडजेक्टिव्स होते हैं ना, इनकी क्वालिटीज कौन बताते हैं? एडवर्ब्स. मान लो यहाँ पर रिलेटिव होता है, रिलेटिव फ्यू. इट इज रॉन्ग. रीजन, रिलेटिव इज एन एडजेक्टिव, वो किसके साथ आएगा? नाउन के साथ आएगा. कहता है जी एडजेक्टिव की खुद की क्वालिटी बढ़ाने वाले क्या होते हैं? एडवर्ब. और यू हैव रेड इट आउट, एडवर्ब कम्स आउट टू बी एडजेक्टिव की फर्स्ट डिग्री प्लस ly। तो ये हुआ आपका एडवर्ब इन इंडिया। प्लेस के साथ आप वैसे भी क्या लगाते हैं, इन। नाउ वी फाइंड देयर इज नो एरर इनटू इट। इतना सारा करने के बाद भी सर नो एरर, ऐसे मत करो। अब देखो सब कुछ आप देख चुके हैं, लिटिल डिड यू नो दैट, छोटी सी गलती। देखो आपने कंजंक्शन चेक किया, टेंस चेक किया, आपने पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस चेक किया, एडजेक्टिव चेक किया, एडवर्ब चेक किया, प्रीपोजिशन चेक किया, इन प्लेस चेक किया, यू चेक्ड इट आउट एवरीथिंग। लिटिल डिड यू नो दैट एक छोटा सा प्यारा सा एरर होता है आर्टिकल का। डिड यू फाइंड इट आउट, हाउ कम? कहता कंपनीज प्लूरल है, ए एन द का मतलब ही नहीं, क्योंकि सब कंपनीज की बात करो ना, द लगाऊंगा तो स्पेसिफिक हो जाएंगी। प्रोफेशनल मैनेजर सारे के सारे हैं, द लगाऊंगा फिर स्पेसिफिक हो जाएंगे। कहता सर ये भी तो नाउन था ना, इसके एडजेक्टिव्स नहीं दिख रहे आपको? ये जैसे इसका एडजेक्टिव ये है, मैनेजर्स का एडजेक्टिव प्रोफेशनल है, स्टेक का एडजेक्टिव क्या था, ओनरशिप, प्रोमोटर होल्डिंग। और स्टेक थे कितने सर? एक ही था, कौन सा स्टेक्स लगाया? तो एक था, तो एक है का माय फ्रेंड्स, यू हैव टू ऐड एन आर्टिकल ओवर देयर। और कहां पर? एडजेक्टिव से पहले। कंपनीज दैट डू नॉट हैव अ प्रमोटर होल्डिंग स्टेक एंड अ प्रमोटर होल्डिंग स्टेक एंड ओनरशिप, जो भी है आपका। अब इन दोनों को कंबाइन कर दिया आपने। तो व्हाट डिड यू डू ओवर हियर? Definitely if I'm talking about a single noun and that can become a plural noun, definitely it's going to add what? An article. Is that clear? सारा क्रैक किया सेंटेंस। इट्स नॉट अबाउट रीडिंग द टॉपिक्स। आई कांट मेक यू रीड एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन in a single video. Definitely know about it. But what can I do? I can do this. I can show you some assumptions. और वो assumptions मैंने नहीं बनाई हैं, वो एग्जाम के assumptions हैं। So you have got a very clear view out of it, right? We're gonna move further. Same चीज लगा रहा हूँ, this time in a faster content. अगर आपको लगता है कि आपको क्लियर नहीं हुआ है, you can rewind it out, दोबारा से देख लो वीडियो को। बट अगर आपको फर्स्ट समझ आया तभी सेकंड पढ़ना, राइट? चेक करें द केस। सर जी केस सिंगुलर, अभी बोला नाउन, कोई बात नहीं, तभी तो आर्टिकल दे दिया। सर पहले तो अ एन दिया था, वो मेरे लिए एक था, ये मेरे लिए स्पेसिफिक, इट्स माई विश आई गिव इट एन आर्टिकल अ ओवर देयर और द ओवर देयर। इफ आई टॉक अबाउट अ मार्कर, दैट्स व्हाट अ मार्कर, एक मार्कर, सबके पास है एक मार्कर, टीचर्स के पास है। बट इफ आई टॉक अबाउट द मार्कर, चेक दिस आउट, दिस इज अ बेंडेड मार्कर, अ बेंट मार्कर। ये क्या है सर? कुछ नहीं, ये तो बेंट है, तो मतलब ये मेरा स्पेसिफिक मार्कर है, तो मैं क्या बोलूंगा? आई एम टॉकिंग अबाउट द मार्कर। इज दैट क्लियर? नाउ पे अटेंशन। केस नाउन, स्पेसिफिक द, किसके लिए है? सर गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट स्पेसिफिक किया है? हाँ जी किया, तो हुआ है, कोई बात नहीं। टू, एग्जिट इज अ वर्ब फॉर यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेक्टर्स, सेक्टर्स इज अ नाउन फॉर यू। द केस फॉर द गवर्नमेंट टू एग्जिट सेक्टर्स। कौन से सेक्टर्स? सच एज, गिव यू एग्जांपल्स, राइट? बेसिकली इट इज कंजंक्शन, जोड़ रहा है एग्जांपल्स को सेंटेंस के साथ। एक स्टील, एक पावर। सर इनके साथ अ एन क्यों नहीं लगाया? स्टील काउंटेबल नहीं है, पावर काउंटेबल नहीं है, अ एन क्यों लगाऊं? एक द क्यों नहीं लगाया? सेक्टर्स की बात हो रही है, द स्टील नहीं होगा, स्टील का सेक्टर ही होगा। ये नहीं है कि द स्टील सेक्टर इन चंडीगढ़, फिर ठीक है स्पेसिफिक। अभी तो कुछ नहीं आया, ओके। इज क्यों लगाया? बेसिकली ये केस का जो वर्ब है वो अब आया, ये सारा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। इज कंपेल्ड, ये कंपेल हो गया है। गिवन दैट द प्राइवेट सेक्टर, सेक्टर नाउन है, प्राइवेट एडजेक्टिव है, द क्यों लगाया? सिर्फ प्राइवेट स्पेसिफिक की बात करो और किसी की बात नहीं हुई है। सेक्टर सिंगुलर, हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म। टेक्निकल कैपेसिटी, अगेन कैपेसिटी नाउन, टेक्निकल कम्स आउट टू बी एडजेक्टिव। गुड, टू है, अगेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई थी। इन, इनके एरियाज के बीच में। सर एरियाज का द क्यों नहीं आया? कोई बात नहीं, दीज तो आ गया। अगर द एरियाज ये वाले, तो दीज मतलब इशारा करके ये वाले एरियाज है। तो बेसिकली दिस, दैट, दीज, दोज डेमोस्ट्रेटिव वर्ड्स द की जगह पर भी आ सकते हैं। इफ आई टॉक अबाउट द मार्कर, आई कैन ऑलवेज टॉक अबाउट दिस मार्कर। If I talk about the teacher, I can always talk about this teacher. And you can talk about sitting over there, that teacher is Piyush. Why not? So basically you can replace that article, the, with this, that, these and those. Is that clear? Now what about the error in this? Again it will come out to be no error. No, it won't be a no error. Now wait. यहाँ check किया था आपने, a run, third form, passive voice. Company ने किसी को run नहीं किया है, company खुद run हुई है। Similarly यहाँ पर केस ने किसी को कंपेल नहीं किया है। अब ये कह रहे हैं ना, कंपेल का मतलब क्या होता है? टू मेक इट फोर्स स्टॉप, राइट? केस नहीं स्टॉप हुआ है, केस ने फोर्स किया है। इज कंपेलिंग, वो खुद ही कंपेलिंग लग रहा है, फोर्सिंग लग रहा है, नॉट वो खुद फोर्स्ड लग रहा है। केस खुद फोर्स्ड नहीं है, फोर्सिबली नहीं किया है, केस फोर्सिंग है। व्हाट अबाउट दिस? देखो, एक होता है आई एम इंटरेस्टेड, मैं खुद इंटरेस्टेड हूं कुछ पढ़ने के लिए। एक है आई एम इंटरेस्टिंग, ये मेरी क्वालिटी है कि मैं इंटरेस्टिंग हूं। इफ यू आर से यू आर इंटरेस्टेड इन स्टार्टिंग फ्रॉम पीयूष, कम टू ज्ञानम, ज्वाइन ज्ञानम, इसका मतलब क्या हुआ? आप खुद इंटरेस्टेड है कि यहां आकर पढ़े, बिकॉज द टीचर इज इंटरेस्टिंग। यस, यू कैन से इट आउट, द टीचर इज इंटरेस्टिंग। यहां टीचर की क्वालिटी है। ऐसे केस खुद स्टॉप नहीं हुआ है, केस जो है वो खुद ही फोर्सिंग सा है, खुद ही कंपेलिंग सा है, तो इट कम्स आउट टू बी लाइक दिस। तो हेयर कंपेलिंग कम्स आउट टू बी व्हाट? एन एडजेक्टिव फॉर यू। इज दैट क्लियर? एनी डाउट स्टिल है? पक्का? इनफ? चलो, नाउ यू कैन फाइंड इट आउट। व्हेनेवर यू टॉक अबाउट एनी काइंड ऑफ एरर, डू नॉट गेट पैनिक। करना क्या है? सेंटेंस को ब्रेक करें, सेंटेंस के हर एक वर्ड को तोड़कर देखें एक्ट क्यों हो रहा है। वाई टू गो विद द आंसर? नहीं, मेरे को तो आंसर ही ढूंढना है बिकॉज इट इज एग्जाम। गो विद द फ्लो। फ्लो सेज नॉट बाय वेयर यू फाइंड एन एरर बट बाय द वे वेयर यू फाइंड दैट वर्ड। वो वर्ड ढूंढो और उसको प्रूव करो व्हाई इट इज देयर ओवर देयर। इज दैट क्लियर? आई एम गोना प्रेजेंट सम अदर वीडियोस टू यू, सो टिल देन हैव अ गुड डे, एंजॉय, थैंक यू।